दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। आज आसमान भी रोया होगा, जमीन भी रोई होगी, भगवान भी रोए होंगे और इन तस्वीरों को देखकर हर इंसान रोया होगा। यकीन नहीं होता जिसे चीते की चाल चलते हुए चंद रोज पहले तक हिंदुस्तान देखकर फख्र महसूस करता था, जिसकी दहाड़ से दुश्मनों का सीना कांप जाता था, वो जनरल अब हमारे बीच नहीं रहे। जनरल विपिन रावत को विदाई देते हुए हर आंखें भर आई थी, हर गला रूंधा हुआ था। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में देश के पहले सीडीएस का नाम दर्ज हो रहा था। आज शहीद जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें देश की गमगीन भावनाएं आपको साफ साफ नजर आएंगी। सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर जब दिल्ली पहुंचा तो यकीन मानिए हर आंख गमगीन था। पीएम मोदी भी भावुक थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इमोशनल हो गए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर एक हैंगर में 13 ताबूत रखे गए थे और इस दौरान परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर दिवंगतों के परिजनों के पास गए, उनसे कुछ मिनट तक बातचीत की। इसके बाद विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया गया। करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में बसते थे विपिन रावत, तभी तो लोग छुट्टी लेकर उनके अंतिम दर्शन को पहुंचे थे। हाथों में तिरंगा, जुबा पर भारत माता की जय के नारे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर विपिन रावत के अलावा ब्रिगेडियर लेटर और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दुर्घटना में मारे गए दूसरे अन्य कर्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, जेडब्ल्यूओ दास, जेडब्ल्यूओ प्रदीपे, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक साई तेजा को भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के बरार स्क्वायर में जनरल विपिन रावत की बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। ये सबसे भावुक कर देने वाला पल था। शहीद जनरल विपिन रावत को सेना ने 17 तोपों की सलामी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विपिन रावत को बरार स्क्वायर जाकर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बरार स्क्वायर में जाकर विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। बरार स्क्वायर में ही तीनों सेना के अध्यक्षों ने विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शहीद जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा था। लोग हाथों में तिरंगा लेकर उनकी अंतिम यात्रा में पीछे पीछे दौड़ रहे थे। सड़क के किनारे खड़े लोग हर तरफ से फूलों की बारिश कर रहे थे। विपिन रावत की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए युवाओं की लाइन लगी थी। यहाँ किसी ने किसी को नहीं बुलाया था, लोग खुद बखुद चलकर आए थे ताकि देश रियल हीरो को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। आज देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है, भले ही विपिन रावत पंच तत्व में विलीन हो गए, लेकिन जनरल अमर रहते हैं, अमर होते हैं, अमर रहेंगे जनरल विपिन रावत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।